हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समत किचन में। आज की हमारी डिश है ईद उज़ ज़ुहा स्पेशल मटन स्नैक, जो कि है हरे मसाले की चापें, जिनको हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी बहुत ही कम मसालों के साथ, और मज़ा है उसका लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें समत किचन को और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। हरे मसाले की चापें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम मटन चाप, और इसके साथ साथ जो मसाला है, मसाला बहुत सिंपल है, सिर्फ चार चीज़ें हैं, जिसमें ये एक मुट्ठी धनिया है, और ये है हमारे 10 से 12 कली लहसुन, और ये हैं 6 हरे मिर्चे, और ये है एक मुट्ठी पुदीना भी। बस इतना ही मसाला है। और ये सारे मसाले हम मिला के, आप मिर्चे के डंडे तोड़ लें, लहसुन के छिलके निकाल लें, और इनके जो एक्स्ट्रा डंठल हैं वो तोड़ दें, और पत्ते पत्ते इसको पीस लेते हैं हम, और एक फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिए 2 अंडे, नमक। तो देखिए, ये मसाला तैयार कर लिया है और मैंने इसको थोड़ा पानी डाल के पीसा, जिससे ये बहुत अच्छा फाइन पेस्ट रेडी हो गया। अब हम चापों की बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक बर्तन में ये चापे डाल देते हैं, और उसके साथ साथ ये जो हमने हरा मसाला पीसा है इसको डाल देते हैं, और एक बार तेज़ आँच में इसको पका लेते हैं, एक जोश आ जाए इसमें, एक बॉयल आ जाए। और इसी हरे मसाले के साथ हम चापों को अधगला करेंगे, पूरी तरह से नहीं पकाएंगे। और इसके साथ साथ मैं इसमें मिला देती हूँ नमक। मसाले को अच्छी तरह से धो के इसमें और पानी डाल दें, करीब आधा कप, जिससे ये चापे इसी में अधगली हो जाएं। अब उबाल आ गया है, इसकी आंच धीमी कर देते हैं और इसको बिल्कुल धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं, इसमें से 25 मिनट तक पकेंगी। तो ये चापों को पकते हुए करीब 20 मिनट हो गया है, और अब हम इसको देखते हैं। तो ये मसाले में जितना पानी था वो भी सूख चुका है, और ये चापे भी अधगली हो गई हैं। तो ये जो भी मसाला बचा है इसको हम और सुखा लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं बिल्कुल, थोड़ा मीडियम हीट पे करके इसको, और फिर इन चापों को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अब हम जो आगे करेंगे इनको फ्राई करेंगे, वो भी अंडों में डिप करके। तो ये जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो हमको करने में आसानी होगी। और अगर आप और भी ज़्यादा जल्दी इसको बनाना चाहते हैं तो आप इनको चापों को गला सकते हैं कुकर में, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप उसको बहुत ओवर कुक ना करें, क्योंकि फिर तलने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये मसाला भी अब बिल्कुल सूख गया है, गैस मैं बंद कर देती हूँ, और अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। 2 अंडे लेके हम इसको फेंट लेते हैं, और इधर हमारी चापें भी ठंडी हो गई, और कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गर्म होने को, और अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो चाप को पहले इसमें डिप करेंगे और फिर कढ़ाई में डाल देंगे। तो चापों को अंडे में डिप कर दीजिए, इसकी कोटिंग हो जाएगी, और चल हम इनको फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल को हाई हीट पे गरम कर लिया है, और उसके बाद इसकी फ्लेम को मीडियम कर लिया, ताकि हमारी चापे एकदम से जल ना जाए, टेम्परेचर सेट कर लिया। फिर इसके बाद हम इसमें अंडे में डिप की हुई चापे डाल के इसको तलेंगे, और ये देखिए मैंने चापे डाल दी हैं। अभी ये अंडा थोड़ा सा फ्लफ़ी लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में ये फिर इसी में मिक्स हो जाएगा, और इसको मीडियम आँच पर तलें, ताकि जो कसर रह गई है, थोड़ी कम गली थी चापे, वो भी तल जाएँ उसके साथ साथ। और ये अब हम सारी चापों को तल लेंगे। अब चापों को पलट के भी तल लें, अच्छी तरह से तल लें इनको, और ये क्रिस्पी हो जाएं तब इनको निकाल लें। अब ये फ्राई हो चुकी हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। हरे मसाले की चापें रेडी हैं, और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सर्व किया है इसको, ये वाइट मेयोनीज है, और ये हमारी चिली मेयोनीज है, और ये है टोमेटो सॉस। तो अब आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो ये डिश का मज़ा एकदम अलग है, ना इसमें लाल मिर्च पड़ी है, ना ही कोई गरम मसाला पड़ा है, और बकरीद के मौके पे आप इसको बना सकते हैं, और आपको इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा, जो कि आपने देखा भी कि बनाने में कितनी आसान थी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें, और आपको अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।